Jnan Timiram Dasha Jnananjana Shalakaya Chakshona Militam Ina Tasmai Shri Gurve Nama Shri Chaitanya Manovistam Isthapitam Ina Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swabdantikam Vandeyaham Shri Guru Shri Yut Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha E Krishna Karuna Sindho Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Radha Kant Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhan Sutai Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalptaru Vyascha Kripa Sindhubhya Evucha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindu Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Hare Ramu 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 Hare Hare Jai Gopal Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashta Prayesu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Om Shanti 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 Jai Gopal Aao, meri premi jano, meri behen bhaiyo Shrimad Bhagavad Gita ke satsang mein aapka hardik abhinandan karta hoon Aap sabko pranam karta hoon Jai Gopal Shrimad Bhagavad Gita ka satvaya adhyay ke संबंध में भगवान श्री कृष्ण जो भी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है यह संसार बहुत सुंदर है क्योंकि भगवान की कृति है यहां का एक-एक पत्ता के ऊपर भी भगवान के हस्ताक्षर हैं सिर्फ जीने का अनुभव होना चाहिए जीने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए तो ये संसार बड़ी सुखदाई भूमि है और जैसे एक कथा याद आती है इसी विषय में माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा शिल्पीकार हुआ है उसने एक बहुत ही विशेष मूर्ति का निर्माण किया था वो थी
लॉर्ड जीसस की मूर्ति। लॉर्ड जीसस को शूली से उतारा गया है और माँ मरियम की गोद में उनका सिर है और लेटे हुए हैं। ऐसी एक बहुत ही प्रख्यात मूर्ति की रचना की गढ़ाई की माइकल एंजेलो ने। इस पत्थर को जिस पर ये मूर्ति गढ़ी गई थी, दूसरे दूसरे शिल्पकारों ने इसको फेंक दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें कोई किसी काम की नहीं। उसी रिजेक्टेड स्टोन को माइकल एंजेलो ने सेलेक्ट किया, कहिए कि सेलेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने उनका देखने का नजरिया इतना बढ़िया था कि उसके अंदर लॉर्ड जीसस की मूर्ति का चित्र उनके हृदय में उतर गया। उन्होंने लॉर्ड जीसस का गोद माँ मरियम की गोद में है, लॉर्ड जीसस का सिर माँ मरियम की गोद में है, ये उस पत्थर के गढ़ने से पहले ही पा लिया था, देख लिया था। ऐसा प्रेम भरा हृदय माइकल एंजेलो का था और उन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया और इतनी सुंदर मूर्ति तैयार हुई कि विश्व में उसकी ख्याति हो गई। इतनी बहुत ही आभा वाली, भावपूर्ण बोलती हुई मूर्ति। लोग पूछने लगे माइकल एंजेलो से कि आपने, और धन्यवाद देने लगे बार बार कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है, आप महान हैं। माइकल एंजेलो यही कहता था, कहता रहा कि मैंने नहीं, मूर्ति तो पहले से वहां थी, मूर्ति तो पहले से विद्यमान थी, मैंने अनावरण किया, सब पर्दा हटाया, बस इतना ही काम किया। जो कुछ ढका हुआ था वो मैंने उघाड़ा, इसको मैंने उघाड़ा, मूर्ति पहले से थी, मैंने कुछ बनाया नहीं। एक रिजेक्टेड पत्थर में से इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण माइकल एंजेलो ने किया और किसी दुष्ट आदमी ने अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए उस मूर्ति को एक दिन अवसर पाकर हथौड़े की चोट देकर तोड़ डाला, उसका भी नाम हुआ। तो ये संसार बहुत ही सुंदर है, इसमें असुर वृत्ति के लोग अपना अहंकार मजबूत करना चाहते हैं, अपनी मैं को विश्व में प्रख्यात करना चाहते हैं। दूसरी ओर जो है महापुरुष हैं, महाआत्माएं हैं, जो उस प्रभु के गुण गाते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, झुक जाते हैं, उन्हीं को उस प्रभु की झलक मिलती है। पत्ते पत्ते पर है मूरत भगवान की, पत्ते पत्ते पर है झांकी उस भगवान की, किसी आंख वाले ने उसकी पहचान की। ये संसार भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन इसको पहचाना कैसे जाए? हृदय में प्रेम नहीं, और जब प्रेम का अभाव है, उस अभाव को, उस कमी को, उस खाली स्थान को लोग दूसरी दूसरी वस्तुओं से जीवन भर भरते हैं। कोई पैसे से भरने का प्रयास करता है, कोई मान प्रतिष्ठा से, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, लेकिन सब भरने लगे हुए हैं उस खाली रिक्त स्थान को, जो रिक्त स्थान प्रेम के बिना है। प्रेम के बिना तो ये जीवन अधूरा रह जाता है, सूना ही रह जाता है, और रिक्त ही रह जाता है। कितने भी भरने का प्रयास करें, ये भर नहीं पाता। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। तो प्रेम तो आपके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अनावरण कौन करे? अनावरण तो आपको ही करना पड़ेगा। जो उस छुपे हुए प्रेम के ऊपर अनेकों जन्मों की मैल धूल जम गई है, उसको कौन हटाएगा? आपको ही हटाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी काली पड़ते जम गई है,
कि आदमी अंध तम में जीता है, जानवरों से भी नीची वृत्ति में जाके जीता है, किसी के हृदय पटल पर काली रेखाएं हैं, काले बादल चढ़े हुए हैं, कहीं नीले बादल चढ़े हुए हैं, कहीं लाल बादल चढ़े हुए हैं, कहीं पीले बादल चढ़े हुए हैं। तो जो वास्तविकता है हमारी, जो प्योरिटी है, वो तो कवर्ड है। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस चढ़े हुए लाल पीले काले बादलों को कैसे दूर किया जाए सूर्य से, ताकि ये सूर्य स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगे, या आकाश निर्मल दिखाई देने लगे। आपकी भावना, मूल भावना जो बड़ी पवित्र है, वो कैसे पुनः उस दशा को हम प्राप्त करें जिस दशा को हमने बर्बाद कर दिया है, जिस हमारी मूल नेचर को हम खो बैठे हैं, और अभी ये मन के जाल हजार हैं, इसके चक्कर में आकर के पढ़ करके, और हम संसार के बुरे भले भोगों में लिप्त हो जाते हैं, और जन्म दर जन्म ये चढ़ी हुई परतों को और गहराते हैं, गहरी करते जाते हैं, चट्टान बना लेते हैं। चट्टान के अंदर जो छुपी हुई पवित्रता है, हीरों की खान है, वो छुप जाती है, ढक जाती है, या निर्मल जो प्रेम के झरने हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। हटाना तो चट्टान को पड़ेगा, चट्टान को हटाए बिना उस स्वच्छ निर्मल जल के दर्शन नहीं हो सकते। वो स्वच्छ निर्मल जल आपकी स्वच्छ भावना है। आपकी भावना जितनी स्वच्छ होगी, प्रेममयी होगी, क्षमावान होंगे, दयावान होंगे, संतोषी होंगे, उतने ही आप आनंद के अधिकारी होंगे, सुख के धनी होंगे। इन चीजों को हृदयंगम करना चाहिए, और ये सुंदर से सुंदर, अति सुंदर शिक्षा भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये जानने को मिल रहा है। तो हमें गीता शास्त्र की शरण में आना चाहिए, खोल करके देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। शास्त्र तो और श्रुति हमारी माँ है। जब माँ अपने छोटे बच्चे को उंगली के इशारे से बोलती है कि बेटा तेरा बाप ये है, तो बच्चा जीवन भर उसको बाप कहता है, नहीं उसको पता नहीं चले माँ नहीं बतला। ऐसे शास्त्र, श्रुति, वेद, पुराण, ग्रंथ, ये सब हमारे माँ हैं। ये हमको मार्गदर्शन कराते हैं कि इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। बड़े बड़े महान महर्षियों ने रचना की है शास्त्रों की, भगवान के परम शुद्ध भक्तों ने उनके अनुभव दर्शाए हैं शास्त्रों में, उनके एक्सपीरियंस, उनको पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तो हम जल्दी से एडवांस हो जाते हैं। शास्त्रों को नकारते हैं तो ठोकर खाते हैं, कभी संभल भी सकते हैं थोड़े बहुत, फिर और गहराई में भी ठोकर खा के गिर सकते हैं, और गिरते हैं, अधिकतर तो ऐसा ही होता है। शास्त्रों के बिना जीवन जीना बड़ा खतरनाक है, इसलिए शास्त्र नेत्र हैं समाज के, इनकी शरण में आना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यो पठेत प्रियतः पुमान विष्णो पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। ये अति पवित्र शास्त्र है। इस पवित्रता के, इस पवित्र जल स्रोत के जो प्रेम का झरना है, इसके नजदीक आइए और अपनी दोनों उंगली बनाकर पान कीजिए इस ज्ञान का, तो आपके हृदय में प्रेम भरेगा, प्रेम के झरने विस्फुटित फूटेंगे। प्रेम कला एक ऐसी कला
जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम जब आदमी भूल जाएगा तब जाके अपने बच्चों को दूसरों से कैसे बचाव करें यही सिखलाएगा, जीवन भर यही सिखलाते हुए बड़ा करेगा कि नहीं बेटा विश्वास नहीं करना। जैसे एक पिता ने अपने बच्चे लड़के को बोला कि बेटा चढ़ जा, ये सीढ़ियां हैं नसेनी लगी हुई है, चढ़ जा इस पर। लड़का थोड़ा झिझका कि बहुत ऊंची है ये लैडर, ये सीढ़ियां, गिरने का डर है पिताजी। नहीं बेटा मैं हूं ना, तू मेरा विश्वास कर। तो बेटे को थोड़ा विश्वास आया कि आखिर मेरा पिता है, संभालेगा बात को, कोई बात हो गई, कोई मेरे से गलती हो गई, गिरने करने का भय पैदा हुआ तो बाप है, होशियारी बंधा रहा है। चढ़ गया, जब वो हाईएस्ट सीढ़ी पर पहुंच गया तो बाप ने कहा कि अब बेटा तू कूद जा। बोलो पिताजी ये तो बहुत ऊंचा ही है, मेरे पांव टूट जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप। बोला रे कूद जा, मैं हूं ना। लड़का बहुत डरा, लेकिन दो तीन बार जब रिपीट किया कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझे गोद में ले लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू कूद जा, मैं जमीन पर नहीं गिरने दूंगा, मैं खड़ा हूं ना। तो बाप की बात पर विश्वास करके बेटा कूद गया। जब बेटा कूदा तो बाप एकदम से दूर हट गया। तो लड़का तो धड़ाम से गिरना था, मोच आ गई पांव में, रोने लगा। रोते रोते ने कहा कि आप हट क्यों गए, आपने तो कहा मैं गोदी में ले लूंगा। बेटा रो मत, इससे तू शिक्षा ले कि जिंदगी में धोखा ही धोखा है, अपने सगे बाप पर भी विश्वास नहीं करना। लड़के ने आंसू पोंछ लिए और वो अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध ली, विश्वास नहीं करूंगा किसी पर। तो हम बच्चों को भी शिक्षा देते हैं तो कैसे चोरों से बचें, लुटेरों से बचें, धोखेबाजों से बचें, ऐसा ट्रेंड करके बड़ा करते हैं। और जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक वो पूरी तरह पक जाता है इन बातों में अपनी सुरक्षा के लिए। तो समाज में उसको चोर लुटेरे नजर आने लगते हैं और आने ही नहीं लगते, उनके बचाव करते करते खुद भी चोर लुटेरा और धोखेबाज बन जाता है। प्रेम का नाम नहीं, प्रेम से बच्चा किसी को देखे भी तो माता पिता तुरंत उसका मुंह फेर देते हैं। प्रेम भरा उसका हृदय है बच्चे का, लेकिन उसका विकास कुछ अजीब ढंग से होता है, स्पेशली आज के जमाने में तो प्रेम का अभाव रहता है। प्रेम के अभाव के कारण लोग विक्षिप्त रहते हैं और उस प्रेम की जो खाली जगह रह गई उसको भरने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, जेवरों से लगते हैं या धन से इकट्ठा उस स्थान को भरते हैं, या मान प्रतिष्ठा से या हाई एजुकेशन से। नहीं, प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम परमेश्वर का रूप है, कितने सुंदर शब्द कहे हैं जीसस ने, लव इज गॉड। लेकिन अमल नहीं करते लोग इस बात पर आज का समाज, इसलिए बाप और बेटे में प्रेम नहीं, मित्र मित्र में प्योरिटी नहीं, प्रेम के अंदर समाज में एक दूसरे को देख करके आदमी, हाँ अपने कुत्ते को जरूर प्रेम करते हैं, अपने कुत्ते को स्नान कराते हैं, तेल फूल लगाते हैं, पास में सुलाते हैं, किस करते हैं, सब कुछ, लेकिन आदमी से आदमी का प्रेम नहीं। प्रभु सर्वत्र है, कुत्ते में भी है, आदमी में भी है, पेड़ पौधों में भी है। ही इज ओमनी प्रेजेंट।